एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और हम भी ठीक हैं, कुशल मंगल हैं, बढ़िया हैं सब। और आज मैंने अपना काम वाम करके मैंने ये वाला अपना कॉटन का सूट डाला है। ये वाला मैंने मौसी जी ने दिया था मेरे को गिफ्ट में, हेलो। और कॉटन का है ये पूरा। ये मैंने पिछली गर्मी में, मतलब ऐसे सूट था ये अनस्टिच, फिर मैंने इसको स्टिच सिलवाया है ऐसे, ये फ्लेयर वाला हल्का सा। और ये ना, मतलब वीडियो में पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं, लेकिन ना जब भी मैंने पहना है बहुत बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं इस सूट के लिए कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं को तो पता नहीं लग रहा है कि ये रेडीमेड है या अनस्टिच का मैंने बनवाया है। तो ये बहुत अच्छा है, गर्मी का कूल कूल अच्छा आइडिया है, अगर आपको भी बनवाना है इस तरह से। और पूछना है तो मैं एड्रेस भी बता दूंगी आपको कि कहाँ से मैंने बनवाया है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा साड़ी कलेक्शन, जो मैंने अभी अभी साड़ियाँ ली हैं, कॉटन की साड़ियाँ हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। कॉटन की वो कोटा डोरी की सब साड़ियाँ होती हैं तो राजस्थान में जो मिलती हैं, यहाँ तो नहीं मिलती है, मैंने मंगवाई हैं तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, ये गर्मी में पहनने के लिए हैं। तो बताना आपको कि कैसी लगी मेरी साड़ियाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, कौन सी अच्छी लगी, कौन सी का कलर अच्छा है, कौन सी का क्या। सिंपल है बिल्कुल, अपने स्कूल के लिए मैंने ली है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको ये येलो वाली साड़ी, ये वाली साड़ी देखिए, ये सिंपल है, सिंपल नीचे बॉर्डर का डिजाइन है बस, और इसका स्टफ बहुत ही अच्छा है, ये वाली है। और इसमें मैंने ना ये ग्रीन कलर का ब्लाउज लिया है, इसपे ना पिंक और ये ग्रीन कलर की शेड आ रही है, तो मैंने इस पे लिया है ये ग्रीन कलर का, वो सिलने के लिए मैंने डाल दिया है। जल्दी से इसको मैं रेडी करवा के पहन के दिखाने वाली हूँ, और बाकी के ब्लाउज अनस्टिच है, अभी उनको सिलवाऊंगी मैं बाद में, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ साड़ियाँ कौन सी हैं। सेकंड मेरी ये वाली साड़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली, और इसके डिजाइन में भी चेंज है। ये देखिए, ये है इस तरह से आएगी, ये इसका नीचे का है, नीचे वाला एरिया है ये इसका, नीचे का है ये, और ये इस पे लाइनिंग से का ये डिजाइन है, और इस पे ये वाला है ब्लाउज इसके ना, ये इस वाले पे मैंने मैच किया ब्लाउज। तो बताइए आपको कि ब्लाउज इस पे सही मैच हुआ है नहीं हुआ है, मुझे साड़ी का बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये वाली साड़ियाँ तो मैंने ये मंगवाई। थर्ड पे है मेरी ये वाली साड़ी, ये है मेहंदी से कलर की है, और लगभग लगभग वैसा ही डिजाइन है इसका भी, बस ये मुझे ना कलर अच्छा लगा था तो इसलिए फिर मैंने ये वाला कलर भी ले लिया, ये वाला इसका कलर ही लगा लो बस, हल्का फुल्का कोई 19-21 का फर्क होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो इसका कलर भी बताइए मुझे कैसा लगा, इसका एक ये चीज जो है वो थोड़ी सी अलग है, इसके पल्ले पे ये जो है ये डिजाइन, ये पल्ले का डिजाइन अच्छा लग रहा है इसका, इस तरह से आएगा ये वाला ये डिजाइन। और इस पे ना ये सेम ब्लाउज चल रहा है, कंट्रास्ट में मैंने कोशिश की कि कंट्रास्ट में इनको लूं मैं, तो ये वाली बताना कैसी लगेगी, कौन सी बेटर लग रही है, ये वाली या फिर इस पे है जो ये वाला डिजाइन, ये तो नीचे फॉल का डिजाइन है। कुछ इस तरह का रहने वाला है, मतलब जो ये है ब्लाउज,
ये भी मुझे अच्छी लग रही है। कि कौन सी का कलर अच्छा लग रहा है, ब्लाउज मैच कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है, बाद में आप लोगों को दिखा के बाद में समेटूंगी इनको, पूरी बिखेर दी है मैंने ये। और लास्ट में है मेरी ये वाली साड़ी। अरे इसका ब्लाउज मैंने सिलने के लिए दे दिया है, इस पे ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे कौन से वाला ब्लाउज, ये वाला ना इस पे मैच नहीं हुआ, ये जो है ऑरेंज से कलर वाला, ये वाला मैच नहीं हुआ इस पे ना। फिर मैंने सेम कलर का ले लिया, सेम में भी अच्छे लगते हैं ना, और ये अभी गर्मी में पहनने के हैं बिल्कुल, तो ये वाले भी दिखाती हूँ आपको। इस वाले का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। येलो कलर मेरे पास वैसे भी बहुत होता है, येलो कलर के सूट भी मेरे पास बहुत सारे हैं। और अब मैंने साड़ी, साड़ी भी मेरे पास एक येलो एक ऑरेंज पहले से है, ये थर्ड है, तो ये वाली भी काफी अच्छी लग रही है मुझे। ये है इसका जैसे नीचे का फॉल जो लगती है वहां पर, फॉल तो लगवा दिया मैंने, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। अरे सिंपल इसका आएगा पल्लू, खाती हूँ थोड़ा सा आपको कैरी करके। नहीं रहा है ये, नहीं हो रहा है, आप तो रेडी करके फिर पहन के दिखाऊंगी मैं, अभी नहीं भद्री मेरे से, मेरे को कमी आती है साड़ी सूटी पहननी, अब मैं सीखूंगी, छुट्टियों में जून की छुट्टियां आएंगी ना तब सीखूंगी। ध्यान, चलो चलो, बोल गई ध्यान, बोल गई कैसी, बताओ क्या उखाड़ लोगे रजिस्टर से, जो भी होगा रजिस्टर के अंदर आ जाना उखाड़ लोगे, करता हूँ मैं तुमसे। निखिल के पास गई, बहुत ही ज्यादा गलत किया, गिर गया था, तुझे रेप चाहिए का अंदाजा नहीं है। गाइस आयरन, गाइस नेक्स्ट आयरन मैन है भाई, बचने नहीं वाला मेरे से ये, तुमने देखा भाई, तुम लोग गवाह हो भाई किस तरीके, बोलो अरे कहाँ बैठ गया, यहीं पे खाने जो भी चीज तुम उससे डाल रही है, क्या बात है।
क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कौन? खाना खा ले, खाना खा ले, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे निकू के पास बैठ, जल्दी निकू के पास बैठ। नाक चौड़ी होगी, नाक वो बीत ली भाई सियार था। देखो भाई, देखो भाई, निकू निकू नीचा बैठा है, टीवी देखा है, क्या कर दिया? मार दिया याने? इसी के साथ ही आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में है, फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।